तो आज हमें मिला है 2000 रुपए कैश दिल्ली के मशहूर जामा मस्जिद में खर्च करने के लिए, और यहाँ हम ट्राई करने वाले हैं जामा मस्जिद के मशहूर जायके। चलो भाई इसी बात पे आपको दिखाते हैं जामा मस्जिद में 2000 में क्या क्या मिलता है। आइए शुरू करते हैं। आ जाओ देखो गाइस, ये है आपका हमारा सबका जामा मस्जिद। यहाँ पर देखो एक से एक जायके मिलते हैं। वो देखो सामने आपको शाही टुकड़ा मिल रहा है, ये देख, ओ पकोड़े भी हैं। ये कब आए? अभी अभी आए भाई साहब, वो सॉरी आपको बताना भूल गए। खाने के लिए जन्नत है जन्नत। ओ यहाँ पे देख लग रहे हैं राहुल, चिकन के टिक्के, चिकन टिक्का लगा रहे हो भैया। अरे क्या बात है भाई, ये अलग अलग तरह की सेवैया है। ये सेवैया है, वो फैनी है। अच्छा अभी तो मीठी ईद है ना, वो सेवैया वाली है ना। हाँ, आपने आप में से किस किस ने अपने दोस्त यार के घर में ईद की सेवैया खाई है कमेंट सेक्शन में बताना। अरे भैया बिग फैन। अरे कैसे हो भाई? बढ़िया, आपकी बहुत वीडियोस देखी है। अरे ललित फैन, तुम मेरे फैन थोड़ी हो फिर। ललित नहीं नहीं आपका भैया, थैंक्स। गौर से देखिए इस वहशी दरिंदे को। और गाइस बातों ही बातों में हम पहुंच गए आज के दिन की पहली डेस्टिनेशन पर, असलम चिकन कॉर्नर, जहां का बटर चिकन मसाला बहुत ही फेमस है पूरी दिल्ली में। और कहा जाता है कि यहां का जो बटर चिकन मसाला का टेस्ट है ना, वो औरों से हटके है। नॉर्मल दिल्ली में जो मिलता है बटर चिकन मसाला वैसा नहीं। तुमने खाया हुआ है ना? मैंने खाया हुआ तो नहीं है लेकिन सुना है। तारीफें ऐसे फेल रहे हैं, खाया हुआ है मैंने, वैसे खाया हुआ है यहां का बटर। तुझे ना बहुत तरह का चिकन टिक्का खाया ना, चिकन टिक्का मसाला खाया है मैंने असलम चिकन का। चलो देखते हैं बटर चिकन मसाला के बारे में बहुत तारीफें सुनी है। पहले ही बुराई कर रहा है, अबे खा तो ले पहले। चल क्या रेट है? 640 का फुल है। देख भाई 2000 का बजट है, हाफ खाते हैं, हाफ खाते हैं, 320 का ले लेते हैं। हर जगह तूने चिकन टिक्का खाया होगा, बटर चिकन खाया होगा, बट यहाँ पर तेरे को एक अलग ही डिश मिलती है, इसका नाम है बटर चिकन मसाला। बाकी डिश कैसी दिखती है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अरे लाओ भैया लाओ लाओ। ओहो हो आ गया बटर में डूबा हुआ चिकन। जी एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। अबे साले कहाँ से लाया? हवा से, वहाँ तो कोई नहीं खड़ा। आ गया आ गया, हाँ बटर चिकन मसाला आ गया। लग तो बड़ा जूसी और बड़ा ही टेस्टी रहा है भाई। तो अभी ये दिन का हमारा सिर्फ एक पोर्शन स्पेंड हुआ है 300 रुपए का, और उसके अंदर हम पहले 320 रुपए का, साथ में 4 रुमाली रोटी यानी 6 रुपए पर पीस, तो कितना हो गया 340 के। और पहले 340 के स्पेंड में हम ये टेस्ट कर रहे हैं। क्या कहता है? मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, मतलब मेरे ख्याल से बटर इतनी क्वांटिटी में है, इतनी क्वांटिटी में है कि वो हर चीज को ओवरपावर कर रहा है हर चीज को भाई। बाकी आपने असलम का बटर चिकन खाया तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगता है। हम बढ़ते हैं अपनी अगले जायके की तरफ। चलो आपको दिखाते हैं जामा मस्जिद का एक और अनोखा जायका, इसका नाम है शीरमाल। भाई ये होता क्या है? चल पूछ ही लेते हैं भाई। ड्राई फ्रूट का होता है, मैदा बेसन सूजी घी खोया मिलाकर तैयार किया जाता है, उसके बाद में ड्राई फ्रूट लगा के तंदूर के अंदर बनाया जाता है। डेजर्ट है एक तरह का। चलो पिस्ता बादाम 120 में सही है। गाइस खर्च करने के लिए अगर आप 2000 ही है, पर ये बड़ा डिलीशियस लग रहा है। एक काम करते हैं, पैसे बचाते हैं, किसी और दिन खाएंगे, आज 50 वाला खाते हैं। ये इसको किसमें, बटर में? देसी घी में डाला जाता है। देसी घी में डाला जाता है, डिप किया जाता है। इसको तो पिज्जा की तरह काट रहे हो। ये लीजिए आप। क्या बात है भाई, ये देखो हमारा शीरमाल केवल केवल मात्र 50 रुपए में। बाबू अभी ये लो, ये खाओ, ये लो खाओ, मात्र 50 रुपए में। जो ब्रिटानिया केक्स आते हैं ना, पतले पतले, पर ये फ्रेशनेस नहीं आती उनमें। ये ताजगी देसी घी का स्वाद आ रहा है, और मिठास भी बड़ी बैलेंस्ड है, ज्यादा नहीं है। एक और खास बात कि ये स्वाद भाई और कहाँ मिलेगा राहुल? और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ जामा मस्जिद में मिलेगा। फटाफट शीरमाल खत्म करते हैं, बढ़ते हैं अगले जायके की तरफ। हाँ भाई खजला, अच्छा जो मीठी मीठी होती है ना। हाँ टेस्ट कर ले, टेस्ट करके देख। आप में से किस किस ने खाया जरा बताना। ये तो कुछ और ही है, ये मीठा नहीं होता। नहीं अच्छा लगा आपने टेस्ट कराया, और कुछ धन्यवाद। नहीं नहीं बस बस धन्यवाद भाई। जामा मस्जिद में केवल आपको जायके नहीं, बढ़िया बढ़िया इंसान भी मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अपने जामा मस्जिद के अगली लोकेशन पे, जो है मोहम्मद तौफीक की बहुत ही पॉपुलर दिल पसंद बिरयानी। इस बिरयानी में खासियत क्या है? खासियत कुछ नहीं है, बस ये है कि मतलब कि मसाले जो ना हाथ से बनाते हैं। भाई प्राइस क्या है? 240 एक किलो का जी। हमें तो आधा दे दो, हाफ दे दो, हाफ दे दो। 520 रुपए टोटल अभी तक खर्च हुए हमारे। अभी भी हमारे बजट में कितने बचे हुए? 1500 रुपए, 1500 के आसपास।
हा भाई आ गई हमारी चिकन बिरयानी। शक्ल देखो आपने शायद इस तरह की बिरयानी देखी भी नहीं होगी। और किस किस ने खा रखी है भाई दिल पसंद भाई की बिरयानी सेशन में बताना। इस बिरयानी में स्पाइसेस भरपूर है, बहुत ही बैलेंस है। ओवरऑल पूछोगे ना तो मेरे को तो ये टेस्टी लग रही है भाई। चलो अगला देखते हैं क्या है। भैया आपने एक चीज नोटिस की क्या? बता। यहाँ पे 80-90% आइटम्स ना नॉन वेज ही है। अगर यहाँ पे आकर कोई वेज बंदा वेज खाने को मांगता है ना तो वो बोलेंगे भाईजान आपका हाजमा तो ठीक है ना। सही बात है भाई, 50 रुपए मत काटना भाई, एक्टिंग की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कहाँ का नॉनवेज बेस्ट लगता है। बोल बोल कहाँ का भाई। केएफसी का फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन खाना है? हाँ और क्या। केएफसी का ओवररेटेड फ्राइड चिकन कब तक खाएगा। आ तेरे को जामा मस्जिद का हाजी मोहम्मद का फ्राइड चिकन खिलाता हूँ। इसे बोलते हैं हम हाजी मोहम्मद भाई का 40 साल पुराना फ्राइड चिकन। यही है ना हाजी भाई? आपने ये आप ही की रेसिपी है, आप ही ने मसाले सब कुछ आपने सोचा। कितने साल पुरानी बात है। 48 साल हो गए भाई साहब इसी जगह पे जामा मस्जिद। फिर फुटपाथ पे 24 साल बैठा हूँ। फुटपाथ पे बैठे थे 24 साल। बाद ये दुकान खरीदी। अरे क्या जब जाके इसमें बैठे। तो ये आपका फ्राइड चिकन होगा, ये कैसा तीखा रहता है मसालेदार रहता है। ये तो आपको खाने से पता लगेगी ऐसे थोड़ी। पकौड़े वगैरह उस तरह का तलते हैं ना हम लोग। मैंने पता है घर में बनाया हुआ ऐसा। हाँ हाँ स्पाइसेस वाइसेस के मामले में बढ़िया है, बट थोड़ा सा ऑयल के चक्कर में मैं इसको इतना जिसको थोड़ा सा माइल्ड स्पाइसेस पसंद है ना उसको केएफसी के चिकन पसंद आएंगे। लेकिन जिसको थोड़ा देसी तड़के वाला चिकन पसंद है उसको तो ये डेफिनेटली पसंद आने वाला है। बिल्कुल भाई। तो बाकी ये जायका आपको देखकर ऐसा लगा हमें सेक्शन में बताना। हमारा बजट भी भाई क्रॉस कर गया है 780 रुपए। बचे हमारे पास 1200-1250 रुपए। देखते हैं उसमें और क्या क्या मिलता है, अभी से टेस्ट करते हैं। क्रिस्पीनेस की तो कमी नहीं है, मैंने कहा था ना बिल्कुल होम स्टाइल वाला टेस्ट है। तो अब हम ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे लाइनें लगती है। लाइनें किस चीज की लाइनें लगती है भाई? कबाब की भाई। चिकन कबाब, मटन कबाब, बीफ कबाब, जो खाना है सब मिलेगा यहाँ पे कुरेशी कबाब पे। दुकान का नाम है कुरेशी कबाब कॉर्नर। भाई साहब आज हम खर्च कर रहे हैं जामा मस्जिद पे 2000, आए हैं कुरेशी कबाब कॉर्नर। कुरेशी कबाब के कबाब हमारे पास आए हैं बड़े शाही तरीके से। भैया से बात कर ले। भैया आपके कबाब बहुत पुराने, 70 साल पुरानी दुकान है। मैंने पता करा था आप लोग ने 25 पैसे के रेट से शुरू किया है। आज कितने के मिलते हैं कबाब? 200 रुपए के 4। उस टाइम में 70 साल बाद डिफरेंस भी तो आ गया भाई। सुबह से खा खा कर भी अभी तक हमारा बस 1100 का बजट स्पेंड हुआ है और अभी भी 900 रुपए बाकी है हमारे बजट। ट्राई करते हैं 70 साल पुराने कुरेशी कबाब। 70 साल पहले बने नहीं थे, बने आज ही है। हमें लगता था ना कि हम जो घर में अपने कबाब बनाते हैं वो बेस्ट है, लेकिन इसको टेस्ट करने के बाद नहीं, अनडाउटेडली ये मेरे को जामा मस्जिद की बहुत टेस्टी डिश लगी है। एक दो बाइट में कसम से मजा आ गया। आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा कुरेशी कबाब, एक बार आना बनता है। आना तो बनता है भाई, आना तो बनता है भाई। करीम का तो नाम सुना ही हुआ क्योंकि मैंने ये बहुत टाइम से करीम का नाम सुन रखा है और मेरी भी बहुत टाइम से ख्वाहिश है कि यहाँ का फूड टेस्ट करूं। ये देख रहे हो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है लाल किला में 1913 में सर्व करते थे ये। भाई जान ये कौन कौन सी डिशेज है? मटन स्टू, निहारी, ये है पसंदा, कीमा, मटन कोरमा, चिकन करी। एक्साइटेड है राहुल ट्राई करने के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत दिन से एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कब खाने को मिलेगा, कब निहारी खा पाऊंगा। इतने दिन से सोच रहा हूँ निहारी खाने का। बस बस शांत शांत हो जाओ मेरे बच्चे। तो गाइस हमारी तरह जो भी जामा मस्जिद आ रहा है ना और 2000 रुपए लेके आ रहा है तो उनके लिए अल करीम पे हमने दिखाया है बेस्ट ऑप्शन जो कि हमने ऑर्डर करा है। एक है हमारे पास मटन स्ट्यू, दूसरा है हमारे पास निहारी। ऑर्डर तो हम करना चाहते थे पाया, लेकिन वो ब्रेकफास्ट की डिश है और रमजान के दौरान वो 2 बजे के आसपास ही मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता। इन दोनों नॉनवेज आइटम के साथ है हमारे पास 3 रोटियां, खमीरी रोटी ना। तो पता कैसे बनती है? कैसे? आटे से बनती है, यीस्ट से बनती है। अच्छा। और शायद दूध से बनती है। बाकी आप में से किस किस ने पाया निहारी ट्राई करा हुआ है और आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। ये लोग साले इतने सर पे चढ़ गए हैं ना, मतलब हम लोग मार्केट में अभी तक घूम रहे थे ना तो हमें ना वो वेलकम किया जा रहा था, बुलाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आते ही ना ऐसा हो गया कि क्या है, क्या ऑर्डर करना है, मेन्यू में है तो सही, ये है वो है, मतलब इतनी ज़्यादा कदर नहीं है क्योंकि ब्रांड भाव चढ़ गए हैं, ब्रांड नेम बन गया है ना, आप क्या कर सकते हैं। पर ठीक है भाई ट्राई करो, 100 साल पुरानी दुकान। और यहाँ पे खाने का पता है हमारा बजट कितना पहुँच गया है? 1000 से सीधा 1800 पे पहुँच गए हम लोग। ये पूरी मील हमारी 300-300-800 रुपये की पूरी मील पड़ रही है हमको। तो हमारे पास अब बजट में सिर्फ 200 बचे हैं, ये टेस्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो रोटी में ही नहीं आ रहा, उठा लेता हूँ भाई। ये देखो गर्मा गर्म निहारी, ओ भैंस की आग, बहुत गर्म है, बहुत गर्म। फाइनली आ गया भाई। आई एंजॉयड द टेस्ट बट द क्वांटिटी फील्स वेरी लेस।
कम्पेयर टू द प्राइस थोड़ा सा और ढंग से खा पाते हैं, क्योंकि दो जनों के हिसाब से सफिशिएंट नहीं पड़ेगा, सिंगल बंदे के लिए इट इज गुड। मुझे काइंड ऑफ डिसेंट लगी है, मटन स्ट्यू ट्राई करते हैं। मतलब काइंड ऑफ इनकी प्रोसेस में भी, इसको बनाने की प्रोसेस में भी काफी टाइम और काफी एफर्ट स्पेंड किया जाता है। मटन को भी बहुत देर तक ग्रेवी में पकाया जाता है, काफी देर तक, क्योंकि इस लेवल का उसको टेक्स्चर दिलवाना, समझ रहा है, इतना स्मूथ और इतना सिल्की, टच करते ही बिल्कुल छूकर लग भी रहा है मटन है। देखो हाथों से अलग हो जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली, तो यही इसी प्रोसेस की वजह से ये चीजें इतनी रेयर है और करीम के नाम पे बिकती हैं, इतनी फेमस है। चलो ट्राई करते हैं मटन स्ट्यू। ये तो फिर भी बेटर है। बेटर है मेरे को बिल्कुल ऑपोजिट। निहारी से ज्यादा पसंद आई पता कौन सी? मटन स्ट्यू। मटन स्ट्यू हाँ, अगर मैं निहारी को 4 नंबर दूंगा तो इसको 5 है 5 है 5। मेरे ख्याल से जिस ग्रेवी में मटन स्टू को प्रोसेस पकाया गया है वो राहुल को ज्यादा पसंद आई है कंपेयर टू निहारी वाला। बाकी हमने काइंड ऑफ 800 रुपए के हिसाब से तो एंजॉय नहीं किया, मतलब हमने 100 में 200 200 में ऐसे जायके खाए हैं कि उसके बाद ये वर्थ इट नहीं लग रहा। लेकिन अभी हमारी जामा मस्जिद की जर्नी में और क्या क्या बचा है? अभी और खाना है। हाँ भाई 200 रुपए बचे हैं, चलो ये एंजॉय करते हैं फिर आगे मिलते हैं। तो शाम हो गई है और माहौल में नमाज की आवाज सुनाई दे रही है। ओह क्या बात है, क्या बात है, कंप्लीट हो गई है शायरी यहीं तक है। और इसी के साथ बताओ हमारे दिन के आखिरी टुकड़े के बारे में। हम टेस्ट करने वाले हैं डेजर्ट्स, दो सबसे पॉपुलर डेजर्ट जामा मस्जिद की, जो है शाही टुकड़ा और मोहब्बत का शरबत। कितने का है? 70 रुपीज का। और इसके बाद हमारे बस 100 रुपए और बचे हैं, होगी शरबत पीना पड़ेगा। चल पड़ा शाही है, शाही लोग हो गए ना, शाही लोग। मैं तो वैसे शाही टुकड़ा पहली बार खा रहा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा टेस्ट का आइडिया है नहीं, पर जो भी चीज है भाई बवाल है। शाही टुकड़ा के जस्ट बाद आपको आज के दिन का आखिरी जायका दिखाते हैं, जिसका नाम है प्यार मोहब्बत का शरबत। इसके अंदर तरबूज जलते हैं, दूध जलता है, दूध तरबूज का कॉम्बिनेशन कई लोगों को समझ नहीं आता, बट यहाँ पर ये बहुत ज्यादा चलता है। देख कैसे बन रहा। राहुल गांधी सर आए थे वहाँ मोहब्बत के शरबत पीने। मोहब्बत का शरबत पीने राहुल गांधी सर को, आपको लग रहा है मोहब्बत की जरूरत है बहुत ज्यादा? माय नेम इज राहुल, सो कॉल मी राहुल प्लीज। हाय राहुल। मजा आया, मोहब्बत से पिलाओगे? और कुछ किसमिस तो नहीं करोगे ना? फिर ठीक है, बहुत रिफ्रेशिंग भाई। राहुल टेस्ट कर, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ 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 हाँ। चलिए गाइस, इसी के साथ मेरे ख्याल से राहुल हमारा भी 2000 का बजट खत्म हो गया। एक हफ्ते का खाना हमने एक दिन में खा लिया है। बिल्कुल भाई, 2000 रुपए टोटली वसूल करे हमने, एक से एक तरह की चीजें ट्राई करी हैं जामा मस्जिद ने। बाकी आपको भी ट्राई करना है तो हमने दिखा दिया यहाँ पे क्या क्या मिलता है, नेक्स्ट टाइम आप आओ तो आप जरूर ट्राई करना। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बारिश भी शुरू हो गई अब तो। चलो भाई हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।